जंगल में देख लो फोटो शूट करवाती हुई। अब इसके रिव्यूज देखते हैं। सुना यार लिटरली ये ऐसा पानी आरओ का भी नहीं है। कुश और सीता मैया ज्यादा पुराना होता तो ये टाइगर के लग रहे हैं, ये वाले टाइगर के। ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुराग फॉर एवर। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जंगल सफारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। और इसके अंदर हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। सो आपको दिखाएंगे कैसा एक्सपीरियंस होता है। सो वी हैव अराइव्ड एट द एंट्री जोन, एंट्री पॉइंट। अच्छा नकली का है क्या? नकली शेर है। आ जाओ चलो। देखो ना सही लग रही है, वैरायटी तो है। क्या प्राइस है इनका? हेड ट्राई कीजिए मैम। ये वाली अच्छी रहेगी यार। चिनू कितनी हेड्स पड़ी है? लग तो सही रहे इसमें। हेड बहुत है। ये नहीं अच्छी लग रही? ये भी अच्छी लग रही है। ये लो। क्या प्राइस है भैया दोनों की? कौन सी है? इसकी वो मैं 150 वाली है। और ये? यही सही लग रही है। हाँ। ले ले। ये भी मैग्नेट सी है, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। कॉर्बेट का देखो ना बस। सब कॉर्बेट का। ये ले लो। एक ही? और कुछ लेना है? ये मैं और ले जाएगी मैग्नेट। एक से क्या होगा? गिफ्ट वगैरह के लिए। एक ही है। ये कितना? 50? 50। ठीक है मैं पे कर देता हूँ। अकेले अकेले बैठ के रेडी फॉर द एडवेंचर? यस, लेट्स गो एंड सी सम टाइगर्स। टाइगर्स आर सीइंग टाइगर्स। आई एम गोइंग विद माय टाइग्रेस। इससे आगे सारा फॉरेस्ट है। ओके। जो आपको दिख रही है कोसी रिवर। कोसी? कोसी बिहार तक जाती है पहाड़ी। okay. यानी अल्मोड़ा के पास। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत जबरदस्त आती है। यहाँ पर भी मूवमेंट एनिमल बराबर होता रहता है। और मेनली हम लोगों को कभी भी माइंड में एनिमल सेट नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग जंगल को कभी फील कर ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है नेचुरल फॉरेस्ट है। नेचुरल हैबिटेट में हम लोग एनिमल देखते हैं। किसी भी एनिमल को डिपार्टमेंट से फीडिंग नहीं होती। ओके, वो नेचुरली नेचुरल फूड चेन है, फूड साइकिल पे डिपेंड है। ओके, एनिमल्स को हम अगर फीड करने लग जाएंगे तो उनकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। वो भी दूसरा वो किसी आते जाते को भी मार के खा सकते हैं। कई सारे रूल्स हैं जंगल पे। शोर नहीं करना, हल्ला नहीं करना, एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी भी एनिमल को फीडिंग नहीं कराना, छेड़ना अपराध है। मैं सबसे पहले रेप्टाइल की बात करूं, यहाँ पे जो सबसे जहरीला सांप है वो किंग कोबरा। किंग कोबरा, रसेल, वाइपर, करैत, बहुत ज़्यादा जहरीले सांप। थामन और रेड स्नेक, पाइथन भी दिखते हैं यहाँ पे। मॉनिटर लिजर्ड, एनिमल में जैकल, वाइल्ड बोर, ब्रूबुल, रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, काफ़ी सारे एनिमल। हाइना और लायन को छोड़ के लगभग, जेब्रा, कुछ चीज़ों को छोड़ के यहाँ पर सभी कुछ है। टाइगर का हैबिटेट बहुत अच्छा है यहाँ पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टोटल एरिया 1288 स्क्वायर किलोमीटर। ये कुछ ट्रेल है यहाँ से रोड क्रॉसिंग या फिर यहाँ से चलने में, देखिए। है ना? ये रहना। अगर ज्यादा पुराना होता तो ये टाइगर के लग रहे हैं। ये वाले टाइगर के? ये वाले टाइगर के हैं। अच्छा टाइगर के लगा हुआ है इस तरफ को थोड़ा। अच्छा देखते हैं आगे चल के क्या पता। ये कैसा होता है? एक पंजा बड़ा होता है, छोटा होता है। ओके, बड़ा इसलिए होता है कि डबल पैर पंजा रखता हूं हमने। एक पंजे के ऊपर डबल पंजा रख देता है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये अच्छा जब चल रहा होगा तो पहले वाले पंजे से दूसरा वाला पंजा कांटा वाटा ना लगे इसलिए अगला देख लेता है साफ है, फिर दूसरा पंजा भी उस पर रखता हूं। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है। एलिफेंट वाले तो मतलब वाटर के लिए जाते हैं जनरली ना, जो एलिफेंट का मैं कहूँ तो यहाँ तक यहाँ से
राजा जी से कॉर्बेट, कॉर्बेट से चितवन नेपाल तक माइग्रेट करते हैं, एलिफेंट माइग्रेट करते हैं ना। ओके, तो चलते रहते हैं, यानी 24 आवर में 18 आवर लगभग लगभग चलता ही रहता है। ओके, हाथी खड़े खड़े भी नहीं पूरी कर लेते ना। सोया हुआ हाथी बहुत कम मिलता है, जैसे कोई लेटा हो या तो बीमार होगा कुछ ऐसा होगा। वैसे कहते हैं देखिए रीजन लेटे होने पर, अभी हाल में यहीं पर एक सागौन फॉरेस्ट में हम लोग चले थे तो एक हाथी लेटा हुआ था, 3-4 पीछे खड़े थे। मैंने सोचा ये फाइट में या फिर मैटिंग में फीमेल मारी गई, लेकिन बहुत देर तक देखा, फोन कर रहे थे आगे ऑफिसर्स को, लेकिन तब तक वो खड़ा हो गया। यहाँ पे से नीचे उतरना अलाउड नहीं होता ना। खुले रहते हैं, ज्यादा बारिश होने पे वो भी बंद किए जाते हैं, क्योंकि रिवर वहाँ भी काफी तेज पानी रहता है, उसमें खतरा हो सकता है। ऐसे ही पानी हर जगह है, एनिमल के लिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि घास यहाँ पर पूरी है, पत्तियाँ पूरी है, हजारों में डियर है, दिखने की गारंटी नहीं है, लेकिन 50 से 60 हजार डियर तो उसको बैलेंस कर लेता है ना टाइगर जो। ओके, अभी स्प्रिंग वाले जो स्प्रिंग वाटर है उसके पास से हम लोग निकलेंगे। तो वहाँ पे वो जाते हैं, ऐसे रोड पे जाते थे ना, तो वहाँ पे ग्रुप्स में जाते थे। याद है ऐसे यहाँ भी आपको पैदल कोई नहीं दिखेगा अंदर, क्योंकि पता नहीं झाड़ियों के पीछे। हाँ। अभी तो अजय देवगन कहता है काल मुझे में जो शिकार करने आता है वो खुद शिकार हो जाता है जंगल। जंगल में देख लो फोटो शूट करवाती हुई। इस एंट्री पॉइंट को क्या कहते हैं? मंटार पानी गेट। अच्छा, यहाँ से सीधा ऑफ रोडिंग है पूरा ही। जैसे ये पॉइंट वगैरह ज्यादा बना रखे हैं, उधर पॉइंट कम है शायद, वो छोटा है इस वजह से। ओके, करंट वरेंट लग जाए। सोलर फेंसिंग का मतलब क्या? देखिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, ये सोलर तो सोलर है और ये चार्ज होती है रात के समय, इसमें बैटरी करंट छोड़ देते हैं और जो एक झटका लगता है, एक झटका लगता है बैटरी वाला, उससे एलिफेंट जंगल की ओर मूवमेंट कर लेता है, मतलब अंदर तोड़फोड़ नहीं करेगा। ये वैसे तो नेशनल पार्क 1936 में बना। ओके, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली। अच्छा, हेली हेलकम जो ब्रिटिश गवर्नर थे उन्हीं के नाम से नेशनल पार्क बना था। बट मैं जिम कॉर्बेट की ऐसे पॉइंट की बात बताना चाह रहा हूँ जिस गेट का इसका एग्जिट है। वहाँ पर जिम कॉर्बेट ने 1930 में एक जो टाइगर मारा था 10 फीट 7 इंच का था, बहुत बड़ा हैवी। तो उसी के बाद से नाम इसका तो जिम कॉर्बेट, बट वो मैनिटर समझ के मार लिया था, मैनिटर नहीं था। ओके, ये टर्माइट हिल है, अभी हम लोग बात को थोड़ा ब्रेक करें। ये सामने जो देख रहे हैं राइट, ये व्हाट इज दिस? टर्माइट, दीमक। ओह, कितना बड़ा दीमक, घरों में लग जाती है तो ये डीकंपोज करता है ड्राई लीव्स को, सूखे हुए पेड़ों को। इस तरफ भी एक वाटर होल है, देख लेते हैं कभी कभी, यहाँ भी दर्शन हो जाता है एनिमल। अच्छा, सामने ना अंदर अभी कोई मोमेंट नहीं है। ये जो ऐसा रास्ता टाइप बना हुआ है, एनिमल्स नहीं बना हुआ है, कभी हाथी चलते हैं उस ट्रैक से। हाँ, मतलब ऐसा प्रॉपर लग रहा है ना, जैसे रोड टाइप बना हुआ। रोड नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पेट्रोलिंग के लिए भी ट्रैक बनाया जाता है, पेट्रोलिंग करता है डिपार्टमेंट। तो वो जो टाइगर था वो मैनिटर नहीं था, क्योंकि गाँव में कई लोगों को मार दिया था टाइग्रेस ने, जिसको मारने का काम जिम कॉर्बेट ने किया, लेकिन भूल से वो टाइगर मारा गया अपनी साइज की वजह से। तो साइज काफी बड़ा था, वो हैवी था, तो रीजन था ये। पेड़ों को लगाना बचाना और वाइल्ड लाइफ की सिक्योरिटी, वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए कंजर्वेशन बनाने की गांव वालों से मुहिम छेड़ी,
क्योंकि बिना ब्लेजर के फॉरेस्ट भी नहीं हो सकता। हाँ। पानी पड़ेगा, फ्रेश पानी। अब इसके रिव्यूज देखते हैं। सुना यार, लिटरली ऐसा पानी आरओ का भी नहीं है। नहीं हुआ है ना, इतना डिफरेंट टेस्ट है यार। ये तो आपने लगातार पिए ना एक महीना। हाँ, सारी पेट की बीमारी खत्म है ना। ये डाइजेशन को भी फिट रखता है। मतलब मेरे सपोज करिए आप लोगों का स्टे है और मैं आपके साथ स्टे के लिए आया हूँ, नाइट स्टे हमारा यही है, तो रात को होने वाली रोरिंग कॉल और जंगल में पानी, पीछे रिवर है उसकी आवाज, बिल्कुल साइलेंट। नींद तो कहाँ ही आ पाएगी, मतलब नींद भी आएगी तो ऐसी आएगी ना एकदम से, बहुत मसला है। तो ये जंगल के, और सुबह मैंने आपसे कहा मैम 6:30 बजे तक हम निकल जाएंगे और कोशिश करें 6 बजे निकल जाते हैं, तो वो हमारा टाइम कवर हो जाता है। अगर हम लोग बाहर से सफारी लेते तो 6:30 बजे तो हम वहीं से निकल रहे हैं। कई डिस्टर्बेंस गाड़ियाँ, जंगल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उस टाइम उनको पता नहीं होता। स्टे का अपना मजा है, कई लोग आते हैं। देखिए ये बना हुआ है 1923 का, 1923 का बना हुआ है ऊपर जो ये गेस्ट हाउस है सामने, इसमें कई रूम्स हैं, खाना खुद भी बना सकते हैं और यहाँ पर जो कुक है वो भी बनाता है। और इसके पीछे जो रिवर है वाटरफॉल है, पानी आवाज आ रही है। कई बार मैंने इसमें मॉर्निंग सफारी और आफ्टरनून में भी कॉलिंग सुनी है, जिससे हम खड़े होके नीचे मूवमेंट देखते थे टाइगर और लेपर्ड, वो पेयर में भी और सिंगल टाइगर लेपर्ड भी, काफी ज्यादा एक अनुभव अच्छा है। नीचे ऑनलाइन ऑनलाइन भी बुक होती है, कई लोग कॉन्टेक्ट से करते हैं। भैया 45 डेज वाला कह रहे हो, वो तो ढिकाला है। अच्छा, ढिकाला में ढिकाला तो कम से कम पड़ेगा लगभग, एक कपल का आ रहा है उसमें चार्जेस वन नाइट का 23,000 रुपए। ओह, सफारी गाइड गाड़ी सारा पैकेज वो गवर्नमेंट रेट। अच्छा हाँ, यहाँ का कम साइट पे भी कुछ पैकेजेस देखे थे, लेकिन आपको इधर का स्टे होगा, लेकिन आपको हाँ वो जो थे वो यहाँ के होंगे, बिजरानी सीताबनी अलग अलग गेस्ट हाउस, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा साइट खुल कब रही है। वही हम लोग बुक करते हैं उसको हमें पता है। अभी मैंने कैंटर राइड किया है, मेरे कई लोग आते हैं ऐसे कॉन्टेक्ट में, फोन करते हैं कि भैया हमारा करवा दो। और गेस्ट हाउस में ये सब ब्रिटिश एंशिएंट टेंपल सीताबनी, अरे हाँ यार ये अच्छा है। दर्शन कर लेते हैं। ये रे लव कुश और सीता मैया। देखो भाई, जंगल में पहला एनिमल स्पॉट हो चुका। ओह माय गॉड, सो एक्साइटेड। हमने पहला एनिमल देख चुके हैं, चुपके से आना, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हनुमान जी को कहोगे कि कोई दिखा दो, तो हनुमान जी अपने दर्शन देंगे। क्या बोलते हैं, तो मंकी हमें दिखाए। ओह माय गॉड। अच्छा, ये साल की वुड है। ओके, 1923 का टेंपल है। ये शिवलिंग है ना? जी, दत्तात्रेय है। ये हम रिवर के बीच में से जाते हुए, मॉनसून में ये पूरी फुल रहती है। ये व्यू भाई पूरा, ये नैनीताल का बैक साइड, पीछे शिवालिक हिल्स है, ये बैक साइड है नैनीताल का। और जैकल सेम टू सेम सेम
वो ब्लैक ब्लैक कलर का जो है हाँ, ज़ूम कर लो एक बार। हाँ हाँ डियर वो रहे हाँ, ज़ूम कर लेना। हाँ हाँ फुल ज़ूम है, दिख रहे हैं ये इधर, ये दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। लंगूर का अपना ये रहा। तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, हमने डिसाइड किया है कि एक ब्रेक ले लेते हैं। तो वो भुक्कड़ इंसान कर दिया ऑर्डर, क्या किया हम लोग पकौड़े खाएंगे, क्या किया ऑर्डर, चाय ले, चाय पकौड़े, चाय पकौड़े नहीं। हाँ चलो ठीक है, पकौड़े दे दो, कोई बात नहीं, आपको वाह क्या बात बोली है, सही है पकौड़े। पालक आलू भी तुम्हारे, कड़ी पत्ता, अच्छा हाँ कड़ी पत्ता है, टेस्टी है। इतना अच्छा नहीं होता लेकिन ये कड़ी पत्ते हैं इसमें पकौड़े में, बहुत सही टेस्ट आ रहा है इसका यार। थैंक यू, आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, लिटरली बड़ा मजा आया। स्टे का बनाइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्टे का, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अभी तक इन्होंने बोले नहीं कि इनका एक्सपीरियंस का फोटोग्राफी, फोटो तो बहुत मजा आया है, हाँ बहुत पुराना। हाँ जिस आपसे ये ड्राइवर रहे थे, जिस आपसे ये चीजें नोट, मैं तो ये कि इतना छोटा सा भी वो दिख गया बड़ा, यही है बस नजरों का ही है, और वो प्रैक्टिस पे डिपेंड। देखो नेक्स्ट टाइम आएंगे आपकी गाइडेंस लेंगे। नहीं सर उसमें भी ये है ना कि जो रियल है वो ही आप लोग करें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट रखा था कि जंगल है, दिख भी सकता है इसको, ये ओपन नहीं दिखा तो भी अच्छा लगा मेरे को, लेकिन हाँ तो भी एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं यहाँ सेकंड टाइम आया, फर्स्ट टाइम आया था, मैं मॉर्निंग में गया था, हमें कुछ दिखा नहीं था, लेकिन हम यही सी में ये नहीं पता था ये जोन था कौन सा था, इसके अलावा भी सात जोन है, पहले आइडिया क्यों होता ना फर्स्ट टाइम, लेकिन हमारे जो गाइड उस टाइम शायद गाइड थे भी नहीं, गाइड नहीं था पहले की बात, तो चार साल हो गए उसको, लेकिन अब सारा कंपल्सरी गाइड कर दिया। बट अच्छा है, इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि हम तो कितना ही देख पाते हैं गाइड का पूरा, इसलिए आपको कह रहा हूँ अगर हम लोग स्टे करते हैं तो उसका टाइमिंग हमको अच्छा मिल जाता है, यहाँ का पता ही नहीं था ना मुझे, एक्चुअली मैंने बुक किया था, इनको पता नहीं था, तो मुझे इतना नहीं पता था कि वहाँ भी स्टे होता है अंदर, ठीक है फिर आइए आपका वेलकम, बिल्कुल हमारे जो ये लोग हैं इनको भी जाना है, बिल्कुल शादी से एंजॉय करके आ रहे हैं, ठीक है सर भी काम है और आप लोग भी एंजॉय करिए, रेस्ट करिए। अब हमारे जो ये जंगल सफारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, कौन सा जोन कंप्लीट किया हमने, सीतावनी, वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है सीतावनी 23 किलोमीटर, और ये 3.5 घंटे की जर्नी थी, आपने व्लॉग में अभी पीछे देखा होगा जो हमारे गाइड थे योगेश, बहुत अच्छा गाइड किया हमें, मतलब 4-5 एनिमल स्पॉट हुए, बट जो उन्होंने हमें मतलब एक एंगेज रखा पूरे जंगल सफारी में बहुत अच्छा था, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप आओ तो गाइड, मतलब अब तो मैंडेटरी है, बट योगेश जी जो गाइड है उनकी गाइडेंस आप लो, उन्होंने हमें जिम कॉर्बेट के बारे में बताया, उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से एनिमल के क्या क्या ट्रेट्स हैं, कि वो किस तरीके से जाते हैं, कि वो ये थी हमारी जंगल सफारी। अब एनिमल का स्पॉट होना तो डिपेंड करता है ना, नेचर है उसमें, नेचर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, जब उसका मन करेगा वो दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा, चाहे आप किसी भी टाइम आओ, वो तो एनिमल पे डिपेंड करेगा कि वो कब कर रहा है, बट ये यहाँ से रिवर जा रही है कोसी रिवर, तो हमारा स्टे है आगे, अब पता नहीं कहाँ स्टे है, इसने स्टे बुक करा है, और चलो ये थी हमारी जंगल सफारी, होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, जो मेरा बर्थडे का व्लॉग है वो सेपरेट चलता रहेगा, ये जो जंगल सफारी का था ये सेपरेट आपको दिखा होगा, तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।